हेलो बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सुनहरा घड़ा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, वो बहुत ही बेवकूफ और बेरहम किस्म का आदमी था। उसे किसी पर रहम नहीं आता था, ना ही वो किसी की इज्जत करना जानता था। अमीर गरीब सब उससे बहुत परेशान रहते थे, हर कोई मन ही मन उससे डरता था। लेकिन राजा सिर्फ एक चीज से बहुत डरता था, वो था बुढ़ापा। वो हर वक्त शीशे में देखता रहता कि अब वो कैसा लग रहा है। ऐसे में अगर उसका एक बाल भी सफेद हो जाता तो वो उसे फौरन रंग देता। अगर उसे एक भी झुर्री नजर आती तो परेशान होकर उसे उंगली से सीधा करने की कोशिश करता, तरह तरह के लेप लगाता और कहता, अभी मुझे बूढ़ा नहीं होना। अगर मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया तो कोई भी मुझसे नहीं डरेगा और ना ही मेरा हुक्म मानेगा। इसलिए राजा ने बुढ़ापे को जड़ से खत्म करने के लिए एक फरमान जारी किया कि हर बूढ़े आदमी को मार दिया जाए और जिसका बाल सफेद होता देखो उसका सर कलम कर दिया जाए। इस फरमान के जारी होते ही तमाम लोग बहुत परेशान और दुखी हो गए और रोते बिलखते राजा के महल में पहुंचे कि आप अपना ये हुक्म वापस ले लीजिए। आखिरकार राजा लोगों की शिकायतों से तंग आ गया और उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ शहर और गांव में यह ऐलान कर दो कि राजा ने तुम लोगों पर रहम करते हुए अपना इरादा बदल दिया है। उसके सिपाही चारों तरफ फैल गए और भोंपू लेकर चिल्लाने लगे, सुनो सुनो, शाही ऐलान है, बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, ध्यान दें कि राजा ने तुम लोगों पर रहम खाते हुए यह ऐलान किया है कि जो कोई झील के अंदर पड़ा सुनहरा खड़ा लेकर आएगा वो ही अपने बाप के सर को कटने से बचा पाएगा और इनाम के रूप में उसको वही घड़ा दे दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। सारे नौजवान ये ऐलान सुनकर परेशान हो उठे और झील के पास जमा हो गए, लेकिन कोई भी उस सुनहरे घड़े को नहीं ला पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बाप के साथ साथ उसे भी अपने सर को कटवाना पड़ा। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सलमान था। जब उसने ये खबर सुनी तो वो बहुत बुरी तरह डर गया कि उसका बाप भी अब बूढ़ा हो चला है और सफेद बालों के साथ उसके मुंह पर झुर्रियां भी आ गई हैं। इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने प्यारे बाप को यहाँ नहीं रहने दूंगा। वो उन्हें लेकर पहाड़ों के पीछे छुपा आया और जब सूरज छुप जाता तो वो उनके लिए खाना और पानी ले जाता ताकि उसके बाप की जान बच सके। एक दिन वो अपने अब्बू के पास बैठा था और कुछ उदास और परेशान था। बाप ने जब उसको देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, शायद रोज पहाड़ों पर खाना लेकर आना तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। इस पर उसने जवाब दिया, नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे और आप ठीक रहें तो मैं उन पहाड़ों पर क्या एक बार क्या दसियों बार भी चढ़ सकता हूँ। अब्बू मेरी फिक्र तो कुछ और ही है, बात राजा के घड़े की है, मैं उसी के बारे में हर वक्त सोचता रहता हूं कि घड़ा कैसे बाहर निकाल कर ले आऊं। अब्बू ऐसा क्यों होता है कि जब आप झील के पास खड़े होते हैं तो वो सुनहरा घड़ा साफ नजर आता है, लेकिन पानी में छलांग लगाते ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। सलमान ने अपनी परेशानी अपने अब्बू को बताई। उसका बूढ़ा बाप कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सलमान से पूछा, क्या उस जगह पर कोई पेड़ है? हाँ हाँ अब्बू, वहां पर झील के किनारे एक बहुत ही बड़ा घना दरख्त है। तब बाप ने फिर पूछा, बेटा क्या घड़ा पेड़ की परछाई में दिखाई देता है? जी जी अब्बू, पेड़ की परछाई पानी में पड़ती है और घड़ा ठीक उसके बीच में चमकता हुआ नजर आता है। बाप ने अपने बेटे से कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो,
तुम जाओ और जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ, वहां तुम्हें पेड़ की शाखों में राजा का सुनहरा घड़ा मिल जाएगा। पानी में दिखने वाला घड़ा सिर्फ एक परछाई है। बाप की सलाह मानते हुए सलमान पहले राजा के पास गया और कहा कि मैं आपका घड़ा लेकर आऊंगा। राजा हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मुझे तो अपनी 100 की गिनती पूरी करनी है, उसके लिए सिर्फ एक सर चाहिए और वो तुम्हारा होगा। सलमान तेजी से झील की तरफ भागा और कुछ सोचे बिना पेड़ पर चढ़ गया। सारे लोग घबरा गए कि जाने अब क्या होगा, लेकिन ये क्या, लोग सलमान के हाथों में वही सुनहरा घड़ा देखकर हैरान रह गए। सलमान भागता हुआ राजा के महल में पहुंचा और उसे घड़ा पेश किया। राजा ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि लड़के, तुम इतने समझदार हो, ये मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। सलमान बोला, राजा जी, मैं कहां इतना समझदार, ये तो मेरे अब्बू हैं जिनको मैंने आपके डर से पहाड़ों के पीछे छुपा रखा था, उन्होंने मुझे बताया कि घड़ा कहां छुपा है। राजा ये सुनकर हैरान रह गया कि जिस बात का पता जवान लोग नहीं लगा पाए, एक बूढ़े आदमी ने जान लिया, उसका मतलब बूढ़े लोग बहुत तजुर्बाकार और होशियार होते हैं। उसके बाद किसी ने भी बूढ़े लोगों पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं की, हर कोई बूढ़े लोगों को इज्जत की नजर से देखने लगा और उनका ध्यान रखने लगा। बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है? परिवार का हर बूढ़ा आदमी ही असली खजाना होता है। बच्चों, अम्मी अब्बू की जितनी जरूरत हमें बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत उन्हें बुढ़ापे में हमारी होती है। आई बात समझ में? अल्लाह हाफिज।